जैसे कि आपने देखा कि रूट थ्री को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको शायद मुश्किल लगा होगा कि 90 डिग्री हम लोग कैसे बना पाएंगे, वो प्रोटेक्टर से आप रख करके बना सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल हमने देख लिया कि रूट टू की लेंथ अगर हमने हॉरिजॉन्टल लिए और वन यूनिट हमने वर्टिकल लिया है तो हमें रूट थ्री का लेंथ इस तरीके से मिल जाएगा। बट अगर आपको कोई कहे कि रूट फाइव का बनाना है तो क्या करना है, तो सपोज कीजिए आपका एक लेंथ ये रूट थ्री है, तो आप हॉरिजॉन्टल कितना लेंथ लेंगे कि ये आपको रूट फाइव है, तो हमें नहीं पता है। बट पाइथागोरस आपको कहता है कि इन दोनों के स्क्वायर का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फाइव, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। तो अभी हमें एक्स स्क्वायर तो पता नहीं है, तो इसे हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसे थ्री ले लेते हैं और इसे रूट फाइव का स्क्वायर विल बी फाइव। तो हमारा एक्स स्क्वायर कितना हो गया फाइव माइनस थ्री दैट इज टू, तो एक्स हमारा कितना होना चाहिए था रूट टू। तो अगर ये मेरा बेस है तो अब मुझे हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है या आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वर्टिकल लेंथ कितना लेना पड़ेगा रूट टू। तो रूट थ्री तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ लिया है और रूट टू मैंने यहाँ पे ओए तक मेजर करके रखा हुआ है। अब मुझे 90 डिग्री पे जस्ट उसे प्लेस करना है आपका रूट टू की वैल्यू को। तो ये अगर 90 डिग्री आपका एंगल है तो यहाँ पे आप कितना मेजर करोगे ओ ए और OA को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां तक आपका हो जाएगा रूट टू। इन शॉर्ट ये लेंथ कितनी हमने रखी है यहाँ पर अभी रूट टू, तो जब अब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो दी लेंथ यू आर गेटिंग इज रूट फाइव। इसे आप अगर ये O है ये A है तो ये आपका B है, तो OB लेंथ अब कितना मिल गया आपको रूट फाइव, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर ये जो लेंथ था वो था आपका रूट थ्री, ये लेंथ है आपका रूट टू, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो थ्री प्लस टू फाइव, तो ये आपका रूट फाइव वैल्यू मिल गया। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, बस वही आपको जो है आपका राउंडर से हेल्प लेकर के इसे शो करना है, जो कि आप देख सकते हैं तो ये टू से थोड़ा ज्यादा है, 2.2 जितना। अगर आप अगर इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे 2.5 होगा, ये 2.2 समथिंग वैल्यू है दैट विल बी रूट फाइव। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम रूट फाइव को शो कर सकते हैं।